बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ना इंकला साहब आप लोग बेटा? आज 9 जून है और आज भी हम यूनिट नंबर 3 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। आज हमारा ये टॉपिक है। लेक्चर का आपको जो डायरी सेंड की हुई है, जो जर्नल में आपके पास आई है, उसके मुताबिक हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। बुक से ही हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं, अपनी बुक पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 का दूसरा टॉपिक, पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। पाकिस्तान का महल्लेपुर, उसकी अहमियत, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर हमारा है पहाड़ी सिलसिले। फिजिकल फीचर के हिसाब से हम पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 पहाड़, फिर आ जाते हैं इसकी प्लेटोज यानी सतह मुर्तफा और मैदान। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे पहाड़ को। तो पहाड़ क्या होता है? खुश्की का ऐसा बुलंद किता जो कि पथरीला हो, जिसकी सतह पथरीली हो और ना हमवार हो, ढलवान बनी हुई यानी ऊपर पीक बनी हुई हो, और सतह समंदर से तकरीबन जो है वो 900 मीटर बुलंद हो, तो उसको हम पहाड़ कहते हैं। पहाड़ में और पहाड़ी में भी फर्क होता है। अब जिस तरह आपको ये पिक में नजर आ रहा है, तो ये देखें इनकी पीक बनी हुई है, तो ऐसा जिनकी पीक बनी होती है ना, ढलान के ऊपर पीक होती है, नोक नोकीली होती है, नोकदार होती है, उनको पहाड़ कहते हैं। और जो ऊपर से इस तरह गुलाई की शक्ल में होती है, वो चूंकि शिकस्त और रिक्त का शिकार हो चुकी होती है और तोड़ फोड़ उनके ऊपर अमल बहुत ज्यादा हुआ होता है पहाड़ों के ऊपर मौसमों की वजह से, इस वजह से जो है वो उसको हम कहते हैं पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये 3 तरह के हैं, शिमाली, वस्ती और मगरबी। सबसे पहले आ जाता है शिमाली पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, इनकी भी आगे सब ब्रांचेज हैं, यानी अगर हम पहले शिमाली पहाड़ी सिलसिले की कैटेगरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर कितनी इसकी ब्रांचेज आती हैं, और अगर हम वस्ती पहाड़ी पढ़ते हैं तो फिर उसके अंदर उसके अलग से ब्रांचेज आएंगी। तो सबसे पहले आता है शिमाली पहाड़ी सिलसिला। ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, ठीक है। इससे हमारी जो शिमाली सरहद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलंदों वाला है, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है, तो हमारी शिमाली सरहद महफूज है। और दूसरी बात, ये पहाड़ जो है ये बेरा अरब और बेरा बंगाल से जो हवाएं आती हैं उनको रोक लेते हैं, और इन हवाओं की वजह से फिर बर्फबारी और बारिशें होती हैं, और ये इतने बुलंद हैं कि इनकी चोटियाँ सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और फिर जब गर्मियों में यह बर्फ़ पिघलती है तो फिर हमारे दरियाओं के अंदर पानी आता है। इन पहाड़ों के ऊपर जंगलात भी हैं, जिनकी कीमती लकड़ी जो है वो हमारे यूज में आती है। बहुत सारे सेहत अफजा मकामात भी हैं इनमें। ये जो अब शिमाली पहाड़ी सिलसिला जो है, इसमें ये जितने भी हमारे जो है वो सेहत अफजा मकामात हैं, मसलन मरिया, अयूबिया, नथिया, गलिया, कागान, वादी लीपा, स्कर्दू, वादी सवाद, कलाम, नीलम बाग, हुंजा, चित्राल, चलास, गिलगत, ये जितने भी मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे इलाके हैं। तो ये सारे के सारे हमारे नदरन जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर मौजूद है। सबसे पहली ब्रांच इसकी है जैली हिमालय या शिवालिक रेंज। तो ये पहाड़ी सिलसिला जो है, इसके अगर वो आपको लोकेशन समझाना चाह रहा है इसकी, या सामने आपको जब उसकी पिक भी नजर आ रही है, तो ये पहाड़ी सिलसिला जो है दरिया सिंध के मशरक में और कोई हिमालय की जनूबी शाख है, ठीक है। ये मशरक से मगरब की तरफ फैली हुई है। इसको शिवालिक का पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं और इसको जैली हिमालय भी बोलते हैं। इन दो नाम है इस सिलसिले के, ठीक है। इंशाल्लाह पहाड़ी सिलसिले और मैं एक डॉक्यूमेंट्री आपको सेंड करूंगी, फिर आप लोग जो है वो आपको समझना इन चीज़ों को आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके अंदर जो फेमस हिल्स हैं वो पब्बी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये हज़ारा और मरी के जनूब में, और मगर भी सिलसिला इसका पाकिस्तान में है, जबकि आगे ये सिलसिला जो है वो इंडिया के अंदर चला जाता है। तो इसमें आपका एक एमसीक्यूज भी बन रहा है कि इसकी मशहूर पहाड़ियाँ जो है वो पब्बी हिल्स हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी ब्रांच शिमाली पहाड़ी सिलसिले की है हमारी यह सगीर का पहाड़ी सिलसिला। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये उनके शुमाल में, ठीक है, और उससे आगे फिर मतवाजी मशरक से मगरब की जानब इनका फैला हुआ है,
और हिमालय सगीर के अंदर जो सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है वो पीर पंजाल का है, और ये जो मरिया यूबिया नथिया गली है तो ये आ जाते हैं हिमालय सगीर के अंदर, पीर पंजाल के अंदर। हिमालय सगीर जो है मतलब अगर आप इन इलाकों के अंदर जाएं तो आपको पता हो कि ये भी आप लेसर हिमालय के अंदर जो पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर है। हिमालय सगीर का ये मुख्तसर हिस्सा पाकिस्तान में, और आगे बाकी जो है वो कश्मीर और इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है हिमालय कबीर, ये दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, सारा साल ये बर्फ से ढका रहता है, और कश्मीर जो है वो इस सिलसिले में वाकई है, यानी एक तरफ पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला और दूसरी तरफ हिमालय कबीर है, दरमियान में जो खूबसूरत जिसको जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है कश्मीर, वो वादी वाकई है, दो दरिया पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में, दो पहाड़ों के दरमियान में जो जगह होती है आप कह लेंगे थोड़ी सी जो है वो प्लेन की तरह बनी होती है, उसको जो है वो वादी बोलते हैं। इस सिलसिले में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर कहते हैं बर्फानी मतलब बर्फ के तोदों को, जब एक जगह पर साल हर साल बर्फ पड़ती रहती है वो जमती रहती है, नीचे वाली बर्फ सख्त हो जाती है, फिर वो बड़े बड़े ब्लॉक्स की, या आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे इलाके का घिराव कर लेती है, या आबशारों की फॉर्म में मतलब बर्फ जम जाती है जिन जगहों पर, उसको फिर हम ग्लेशियर कहते हैं। फिर जब ये धूप की वजह से पिघलते हैं तो हमारे दरिया वजूद में आते हैं। इस सिलसिले के अंदर जो सबसे मशहूर चोटी है वो नांगा पर्वत है, ठीक है, जिसको भी आप अंडरलाइन कर लें, तो कश्मीर की खूबसूरत वादी पीर पंजाल और हिमालय कबीर, दूसरा इस सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत, राइट। उसके बाद है कोहे कराक्रम सिलसिला, कोहे कराक्रम जो है वो कोहिस्तान हिमालय के शुमाल में कश्मीर और गिलगत में चीन की सरहद के साथ साथ मगरिब से मशरक की तरफ फैला हुआ है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है उसको गुडोन ऑस्टन कहते हैं और केटू कहते हैं। इस सिलसिला को में ये वाक्य है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसको सर करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन सीधी है, इसके अंदर ढलवान बिल्कुल नहीं है। तो दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी केवन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो नेपाल में पहाड़ी सिलसिला यही है हिमालय का, लेकिन आगे वो नेपाल की हदूद में चली जाती है। तो केटू पाकिस्तान में वाक्य है, इसकी बुलंदी है तकरीबन 8611 मीटर, ठीक है। फिर इसी पहाड़ी सिलसिले में शहराए रेशम भी है, यानी दर्रा पंजराब, जो दर्रा जो है, दर्रा कहते हैं कुदरती रास्ते को जो पहाड़ों के दरमियान बना होता है, ठीक है। तो ये दर्रा जो चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है, फिर यहीं से जो है वो शहराए रेशम बनाई गई। अब शहराए रेशम को शहराए रेशम क्यों कहते हैं मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये आगे उन्होंने पहाड़ी सिलसिले जो है उसके तबई खतोकाल का नक्शा भी बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो ये वाक्य है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्री सेंड करूंगी। लेक्चर तो थोड़ा सा आपको ये बोरिंग ही लगेगा, लेकिन आपको मैं इसके साथ डॉक्यूमेंट्री सेंड करूंगी, आपको देखिएगा, फिर आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको चीज़ों का पता भी चल जाएगा। ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो पाकिस्तान जो है इसके नदरन एरियाज या इसका जो भी मतलब इसके प्लेटोज हैं या इसके सहरा हैं, इसके समंदर हैं, दरिया हैं, इन चीज़ों को विजिट किया करें। एक तो अल्लाह ताला कहता है कि जो है वो ज़मीन के अंदर निशानियाँ उनको तलाश करें, सफ़र करें, इससे इंसान की रिसर्च बढ़ती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दूसरी बात यह, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने कितने जो है वो इसको नेमतों से नवाजा और इसके फिजिकल फीचर जो है वो उनमें वो किस तरह के हैं। अच्छा, उसके बाद शिमाली पहाड़ी सिलसिला, ये भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी चौथी ब्रांच है वो कोहिस्तान हिंदू का शाह जाती है। ये पाकिस्तान के शुमाल मगरब में है, ठीक है, और इसका ज़्यादा हिस्सा आगे अफगानिस्तान में चला जाता है। और कोहिस्तान हिंदू कश की जो बुलंद तरीन चोटी है वो तिरछमीर है। ये जो बुलंद चोटियाँ आ रही हैं हर पहाड़ी सिलसिले की या दरिया इसके अंदर आ रहे हैं, उनको आप लोग अंडरलाइन कर लें, या कोई और जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी दर्रे का नाम आ रहा है, किसी वादी का नाम आ रहा है, इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कोहिस्तान हिंदू कश के जुनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले फैले हुए, इन पहाड़ों के दरमियान दर्रा लवारी है, ठीक है, जो चित्राल और पिशावर, यानी ये जो दर्रा लवारी है, दर्रा बने, फिर आप रिपीट कर देते हैं, जो पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते बने होते हैं कि पाकिस्तान की दो शहरों को आपस में मिलाता है, चित्राल को और पेशावर को, ठीक है। लेकिन जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो ये दर्रा बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर अगर ये दर्रा बंद हो जाए तो फिर चित्राल का रास्ता जो है वो पूरे मुल्क से कट जाता है। तो अब इस चीज़ से निपटने के लिए क्या किया है कि इस दर्रे के नीचे जो है लवारी टनल बना दिया है, यानी सुरंग बना दी है, तो सर्दियों में फिर यहाँ आमदरफ जो है वो सुरंग के लिए जारी रहती है। अच्छा, उसके बाद देखें इस सिलसिले के अंदर दरियाए सवात, ये देखें दिया हुआ दरियाए
पंचकोड़ा, दरिया कुन्नर और दरिया चित्राल बहते हैं। अच्छा बच्चों से सवाल करें ना अक्सर के पूछें कि बेटा पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, तो अक्सर बच्चे लह के फौरन जवाब देते हैं पाँच। पाँच तो है सिर्फ पंजाब में, वो भी बड़े, ठीक है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट छोटे बड़े जो है वो टोटल दरिया कमोबेश है वो 46 हैं, यानी 46 दरिया बहते हैं बड़े छोटे मिलाकर तकरीबन। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पर जो है वो शिमाली पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर आ जाता है वस्ती पहाड़ी सिलसिला। वस्ती पहाड़ी सिलसिला जो है इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सॉल्ट रेंजेस, तो ये जो है वो पहाड़ी सिलसिला सतह मुखा पोटवार के जनूब में दरिया जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान। अच्छा एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पर जो आपको लोकेशन डिफाइन करने के लिए चीज़ों का हवाला दे जाता है, यानी कभी दरिया सिंध की लोकेशन समझाई जाती है, कभी जेहलम की, कभी किसी जो है वो सूबे की बात की जाती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि भी ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये तो कई के 100 किलोमीटर के फासले पर भी हो सकते हैं। हमेशा लोकेशन जब हम बनाते हैं या एड्रेस या पता मतलब हम बनाते हैं या समझाते हैं तो हमेशा उसके सराउंडिंग में वाकई किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का हवाला दिया जाता है। अच्छा स्केसर जो है वो इस सिलसिले का खूबसूरत मुकाम है, इसमें नमक, जिप्सम और कोयला के ज़खायर पाए जाते हैं। बाहरी सी बात है, ये तो आपको पता पाकिस्तान के कोयले की सबसे बड़ी खान जो है वो नमक की वो इसी में है, और कोयला भी डंडोत वगैरह, ये डंडोत खोड़ा माइंस ये सारा इसी के अंदर आता है के अंदर। अच्छा उसके बाद आ जाता है कोहे सुलेमान। ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये दरिया गोमल के जनूब से शमालन जनूबन शुरू होकर पाकिस्तान के वस्त तक जाता है। इस सिलसिले की सबसे बुलंदतरीन चोटी जो है वो तख्ते सुलेमान है, इसको अंडरलाइन कर ले। ऊपर कोहिस्तान नमक में भी उसने बताया कि जो इसका सबसे खूबसूरत मुकाम है वो स्केसर है, और कोहे सुलेमान की जो सबसे बुलंदतरीन चोटी है वो तख्ते सुलेमान है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कोहे कैथर। कोहे सुलेमान का के जनूब की तरफ अगर जाएं और दरिया सिंध के मगरिब की तरफ ये डायरेक्शन बनती है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है उसको कोहे कैथर कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इनकी लोकेशन को समझ लेना, तो अगर आप मतलब कभी जिंदगी में अल्लाह ताला मौका देता है कि आप विजिट करते हैं इन चीज़ों को देखते हैं, तो फिर अगर बंदे को पहले पता हो ना कि ये फलां पहाड़ी सिलसिला है फलां पहाड़ी सिलसिला है, तो देखने का उसको विजिट करने का मजा ही अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जरा अगर आप इसको समझ लें इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जब हमारी क्लासेस होंगी तो मैं आपको मैप रीडिंग भी बताऊंगी कि मैप को किस तरीके से स्टडी करते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी, और इस तरीके से भी अगर आपको पता होगा तो आपको चीज़ें विजिट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा इसमें देखें दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान के मगरिब में ये कम बुलंद है और खुश्क पहाड़ है। खुश्क पहाड़ों का मतलब होता है यानी इनके ऊपर जो है वो सब्जा वगैरह नहीं है और संगलाख है। ये बलोचिस्तान के अंदर ना टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा क्योंकि बलोचिस्तान के संगलाख खुश्क पहाड़। दरिया हुब और लियारी जो है ये कोहे कैथर से अरब बहेरा अरब की तरफ बहते हैं। अच्छा उसके बाद देखें मगरबी पहाड़ी सिलसिला, इसमें आ जाता है कोहे सफ़ैद का पहाड़ी सिलसिला। ये जो है ये दरियाए काबुल के जनूब में शरकन गरबन फैला हुआ है। दर्रा खैबर कोहे सफ़ैद के शुमाल में वाक़ और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुजरगाह। अच्छा ये इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आलमोस्ट बरे सगीर के अंदर बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले या आप हिस्ट्री में देखते हैं बहुत सारे मुसलमान फातह हमलावर है जिन्होंने बरे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों को पता किया, तो वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं रास्तों से गुजर के आते थे। अच्छा उसके बाद देखें वजीरस्तान की सॉरी इस कोहे सफ़ैद के जुनूब में जो है वो दरियाए कुरम भी बहता है। अच्छा उसके बाद देखें वजीरस्तान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ जो है ये दरियाए पहाड़ी सिलसिला दरियाए कुरम के जुनूब में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ है। इन पहाड़ों में दरिया टोची और दरिया गोमल वाक़ है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर जितना भी पहाड़ी सिलसिला है इनके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो क्या उसको कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन वाले पहाड़ नहीं है, मतलब आतिशफशां फशानी वाले जो है वो पहाड़ नहीं है। हाँ अलबत् एक दफ़ा मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी उसमें कुछ ये जो हमारे पाक अफगान सरहद के साथ पहाड़ी सिलसिला है इसमें वो एक पहाड़ दो तीन दिखा रहे थे कि ये जो है ये मड इरप्ट करते हैं, मतलब गर्म मट्टी फेंकते हैं पहाड़ ना, तो माहरीन का उनके बारे में कहना था कि शायद मतलब बहुत जमानों पहले कि शायद पॉसिबल हो कि ये जो है वो किसी ज़माने में रहे हों आतिशफशानी वाले पहाड़, यानी इनके अंदर आतिशफशां का अमल होता हो,
या कुछ माहरीन का ख्याल था कि पॉसिबल है कि ये आतिशबाजी के अमल के लिए अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने जमाने इनको लग जाए इसके ऊपर ये सारा जो प्रोसेस है उसको पूरा होने में। बहरहाल अभी तक तो फिलहाल जो है वो इस तरह का कोई सिलसिला देखने में नजर में नहीं आया। अच्छा, उसके बाद आगे इसमें देखिए, इन पहाड़ों के अंदर वजीरस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं इनके अंदर दर्रा टोची और दर्रा गोमल वाकई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं तोबा काकल का पहाड़ी सिलसिला। वजीरस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान सरहद के साथ साथ तोबा काकल का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है, जो शुमाल मशरक से जनूब मगरब की तरफ चलता हुआ क्वेटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, और फिर आ जाती हैं चागी और रासको। ये पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में अफगानिस्तान सरहद के साथ साथ चागी की पहाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, चागी जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि क्या उसको मतलब बोलते हैं उर्दू में, अंडर डेवलप इलाका, यानी ये बहुत ज़्यादा अभी बैकवर्ड इलाका है चागी जो है। चागी के अंदर पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके जो है उसके टेस्ट भी किए थे। जिला चागी की मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे से इसकी पहाड़ियाँ पहाड़ी सिलसिले को ना ले लेना। अच्छा, उसके बाद देखें सेहौन की पहाड़ियाँ। सेहौन की पहाड़ियाँ सुबह बलोचिस्तान में रास्को के जनूब में है, यानी ये सारे आगे से आगे जुड़े हुए हैं सिलसिले ब्रांचे, मतलब ये जो है ना ये इस तरह ऐसे एक ब्रांच एक शाख की तरह फैला हुआ है कि जो यूं ऐसे पाकिस्तान के जो है वो नदरन जो है वो नॉर्थ से शुरू होकर किस तरीके से घूम के जो है वो मशरक मगरिब फिर जो है वो जनूब की तरफ आ जाता है, तो इस तरीके से जो है ये कमान की तरह बने हुए। अच्छा, उसके बाद देखें वस्ती मकरान की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भी सुबह बलोचिस्तान में वाक़ है। मौसम सरमा जो है वो सर्दतरीन होता है जबकि मौसम गर्मा इस पर मोतदिल होता है। और दूसरी बात ये साहली मकरान की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ सेहौन की पहाड़ियों के मगरब में, ये कम बुलंद पहाड़ियाँ हैं। मैंने आपको पहाड़ और पहाड़ी के दरमियान में फ़र्क बताया कि पहाड़ कौन से होते हैं जिनकी सतह कम से कम 900 मीटर तक वो पतीली और नोकदार हो, उनकी पीक या उनकी चटा जो है वो चोटियाँ मौजूद हों। जो पहाड़ी होती है मैक्सिमम उसकी जो है वो 700 या 600 या इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ऊंचाई इनकी इतनी होती है, और साथ में इनकी जो चोटियाँ होती हैं वो गुलाई की शक्ल में होती हैं। ठीक है जी, ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, और ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे पता है बोरिंग है, लेकिन यकीन करें अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है तो इंसान को बड़ी खुशी होती है कि जो चीज़ें वो अपनी आंखों से देख रहा है वो ऑलरेडी उसके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है। वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें नेचर की खूबसूरती भी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अता की है। ओके बेटा, आज के लेक्चर को देख लीजिएगा, और आप लोगों ने इसमें से जो MCQs वगैरह जो अंदर बन रहे थे वो भी मैंने ऑलमोस्ट आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं, आप लोगों ने उनको नोट कर लेना है, और साथ ही जो है आपने अपना ये लॉन्ग क्वेश्चन आज का याद कर लेना। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।